नागपुर जिले में सोमवार को 4,647 लोगों के कोरोना टेस्टिंग से मिले 14 कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में सोमवार को संक्रमण की वजह से नहीं हुई कोई मौत। सोमवार को जिले में 26 कोरोना संक्रमित मरीज हुए रिकवर। जिले में कुल 152 सक्रिय मामले। रिकवरी रेट में हो रही है लगातार वृद्धि। रिकवरी रेट बढ़कर पहुंचा 98.08% पर। आज भी मनपा केंद्रों पर किसी भी आयु वर्ग के नागरिकों का टीकाकरण नहीं होने की जानकारी अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी ने दी। मनपा को कोविडशील्ड के टीके उपलब्ध नहीं होने के कारण आज टीकाकरण हुआ बाधित। 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के लिए शहर में 3 केंद्रों पर कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध। इन 3 केंद्रों में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और मनपा के प्रभाकर दत्त के रोग निदान केंद्र है शामिल। मनपा सफाई कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में महापौर ने की समीक्षा बैठक। विभिन्न समस्या से जूझते मनपा सफाई कर्मी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने मनपा कर रही है विशेष तैयारियां। विभिन्न खेल संघों से सुझाव आमंत्रित। नागपुर जिले में कोरोना संक्रमण का कहर कम होने के बाद डेंगू का खतरा बढ़ा। जिले में सबसे ज्यादा मिल रहे हैं डेंगू के मरीज। हफ्ते भर में मिले 23 डेंगू के मरीज, 1 मरीज की हुई मौत। शहर के जरीपटका परिसर में दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना। बंदूक की नोक पर सराफा व्यापारी को दुकान में बंधक बनाकर नकाबपोश अपराधी ने लूटे 34 लाख रुपए। नकाबपोश अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे, सराफा व्यापारी को बंधक बनाया और 34 लाख रुपए का माल लूट कर आरोपी हुए फरार। वाड़ी थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी हुआ सड़क हादसे का शिकार, उपचार के दौरान हुई मौत। साइबर ठगों ने कूलर खरीदने के नाम पर एक व्यापारी से 4,29,000 रुपए का लगाया चूना। पुलिस ने व्यापारी राजेंद्र सिंह की शिकायत पर मामला किया दर्ज। कामठी रोड पर बन रहा है डबल डेकर फ्लाईओवर, अब तक 82% काम हुआ पूरा। वर्धा रोड के बाद ही शहर का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 5.3 किलोमीटर है और ये फ्लाईओवर 573.16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। सोमवार को गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में तड़के तारोबा के बाघ खली की हुई मौत। पिछले 2 महीने से खली का उपचार चल रहा था। मराठा आरक्षण 50% सहूलत के लिए राज्य सरकार ने की केंद्र सरकार से सिफारिश। भाजपा के 12 आमदार हुए निलंबित, इसी बात पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़कस चौक पर किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। दोस्त के साथ हुए विवाद में बीच बचाव करना एक युवक को पड़ा भारी। 5 युवकों ने बीच बचाव करने वाले युवक के घर पर हमला बोलकर उसे बुरी तरह किया जख्मी।